इतने हमले कोई और देश होता तो तबाह हो जाता, लेकिन आयरन डोम ने इसराइल को बचा लिया। मामूली नुकसान ही हुआ। आयरन डोम जिसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मिसाइल डिफेंस सिस्टम में गिना जाता है, देखिए किस तरह से आयरन डोम 99% तक हमला रोकने में सक्षम है। जो रॉकेट हमले रोकने वाली रक्षा प्रणाली है जो हमले को आसमान में विफल कर देती है। रॉकेट के अलावा तोपखाने मोर्टारों को भी ये छूने नहीं देता। हर मौसम में कारगर 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक रॉकेट हमले को बर्बाद करने का दम, एक बार में 1100 हमले को पहचानने में सक्षम और तब तक लगातार मिसाइल फायर करता रहता है जब तक दुश्मन की मिसाइलें खाक ना हो जाए। इसमें वायुमंडल के बाहर और लंबी दूरी के खतरों को पहचानने के लिए डेविड स्लिंग और एरो 3 तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। खास बात यह है कि यह खुद पता लगा लेता है कि दुश्मन की मिसाइलें रिहायशी इलाकों में गिरने वाली है या कहीं और। तो ईरान के इसराइल हमले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। एस जयशंकर ने इसराइल हमले पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं और बढ़ सकती हैं, खासकर खाड़ी और मिडिल ईस्ट में बड़ा संकट हो सकता है। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी चिंता जताई। कहा कि युद्ध की वजह से अनाज, तेल और फर्टिलाइजर जैसी चीजों का बड़ा असर इन पर पड़ सकता है। कल रात जो घटनाएं जो हुई ईरान और इसराइल के बीच में, मुझे लगता है कि ये तो और भी बढ़ेंगी। तो आज हम उस स्थिति में हैं कि खाड़ी में और वेस्ट एशिया में, मिडल ईस्ट में, आप देख रहे हैं कि गाज़ा में भी युद्ध है और ये युद्ध जो फैलने की संभावना जो है ये पूरे दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। इसके अलावा 2 साल से यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और उसका प्रभाव जो है पूरे दुनिया में वो भी हम देख रहे हैं, तेल की कीमत, अनाज की कीमत, फर्टिलाइजर की कीमत। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सिद्धांत सिब्बल का रुख कर लेते हैं। सिद्धांत, लगातार देखिए आप पूरे युद्ध पर नजर बनाए हुए हैं, जिस तरह की जो तस्वीरें सामने आई हैं, सबसे पहले जो यूक्रेन रशिया का वॉर, उसके बाद इसराइल हमास, और अब देखिए जिस तरह का हमला ईरान ने इसराइल पर किया है, ईरान ने इसका वीडियो भी जारी किया है, क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है इस वीडियो के जरिए? देखिए मैं आपको बताऊं कि जैसे ईरान ने जो वीडियो जारी करी है उसका मकसद ये है कि एक मैसेज पहुंचाना इसराइल को कि अगली बार उनकी एसेट्स पे अटैक हुआ तो ऐसा ही रिस्पांस आएगा। ईरान ने अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर दिया है, पर हमने इसराइल की भी स्टेटमेंट देखी है कि वो एक रिटेलिएशन लेंगे, कब लेंगे, कैसे देंगे, ये देखने वाली बात है। इस वक्त हालात काफी नाजुक जरूर बने हुए हैं, पर कहीं ना कहीं डीएस्केलेटरी, मतलब टेंशन सब कम हो रही हैं। दो महत्वपूर्ण चीजें होने वाली हैं अगले कुछ घंटों में। पहला, G7 के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मुलाकात होने वाली है। ये फॉरेन मिनिस्टर्स तो EU के मिल रहे हैं, G7 के लीडर्स मिल रहे हैं। तो G7 के जब लीडर्स, जिसमें US, कनाडा और जापान, उसके अलावा और भी लीडर्स होंगे। दूसरा, UNSC की एक अहम बैठक होगी करीब 1:30 बजे भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार ये बैठक होगी। तो फोकस यही होगा कि दोनों पक्षों को कहा जाए कि रिस्ट्रेन की तरफ जाएं, क्योंकि अगर अब एस्केलेशन होता है तो काफी बड़ा एक तरह से युद्ध की तरफ जाएगा। तो फोकस अब यही है कैसे डीएस्केलेशन एक तरह से पहुंचाया जा सके, क्योंकि ईरान को जो एक मैसेज पहुंचाना था दुनिया को, ईरान ने वो पहुंचा दिया है। अब इसराइल की बारी है कि क्या इसराइल एक रिटेलिएशन देगा, कि क्या इसराइल अब इस युद्ध को, एक साइकिल को क्लोज करेगा। बिल्कुल सिद्धांत, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो आने वाला जो कुछ समय है बेहद ही अहम ये माना जा रहा है, और जिस तरह की जो तस्वीरें सामने आई हैं, कहीं ना कहीं ये तस्वीरें डरा रही हैं और कहीं ना कहीं ये महायुद्ध 3 की तरफ इशारा कर रही है। Z News.